ज्यादा है तो बहुत गहरे गड्ढे धान की रोपाई, बड़े बड़े गड्ढे तो है, जाने पर हमला भी हो सकता है। अयोध्या देखिए कई एक ऑटो पलट गए, जितनी रोडे हैं सब उनकी देन है। मेरे व्हाट्सएप पर भी नोटिस आई है, सिद्ध है कि मौके का निरीक्षण करके कम से कम 4 फुट नीचे हो गया गड्ढा। अभी कोई ट्रक आए पलट गया, ट्रक पलटे जाना पलटे भैया, रिक्शा तो बहुत है पलटा करते हैं। भोरे फरुख बादशाह मिल के बढ़िया ही देखो धान की रोपाई करते रहा। अब इनको देख करके कजरी गीत वाला गाना कहो सुना दे, बहुत बढ़िया गीत है, तनिक सुन लो भैया। अब गीत सुने मजा तो बहुत आ रहा होगा, लेकिन बाराबंकी में भैया सड़कों की यही हालत हो गई है, और खास तौर से भैया अकबर शाह की हालत तो बिटिया बहुरिया वाली हो गई। बेचारे करें तो क्या करें, बप्पा का जगावत है कि बप्पा जागो जागो तरह हमारे समस्या का समाधान कर दो। अरे हमारी छोड़ो बेचारी पब्लिक बहुत परेशान है, मोट मोट गड्ढा हो गए, 4-4 फुट के गड्ढा हो गए। यही खातिर भैया देख लो 4-4 फुट बड़े बड़े धानों लगाओ रहे, जब तबड़ा गड्ढा हो तबड़ा धान लो भैया लगा दिए तीठन, कम से कम जाग जाओ। उसके बावजूद ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा ना भैया सड़कें गड्ढा मुक्त हो रही, और गड्ढा छोड़ो भैया यहाँ दुर्घटना बहुत बड़ी दावत हो रही। देखा तो कितना मोटा मोटा गड्ढा है, यहाँ से ट्रकें गुजरती हैं, रिक्शा कई बार पलट जाती हैं, लेकिन प्रशासन हल्के में ले रहा, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, प्रशासन को तनिक ध्यान देना चाहिए। बाकी एक बार साकी बात सुन लो, भोरे भोरे मिल गए बढ़िया धान की बुआई करते रहे, हमने कहा तनिक आपको गाना सुना दे और इनसे मिलवा दे, तनिक सुनो क्या बता रहे हैं। सजी सुबह सुबह यहाँ पर धान की बुआई कर रहे हैं गड्ढों में, क्या बात है? सबसे पहले मैं APN 24 के संचालक शिवम सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कम से कम आज मुद्दे पर मुझसे पूछ रहे हैं। ये सरकार दावा कर रहे कि गड्ढा मुक्त सरकार, आप हालत देख रहे हैं, ये हाईवे का मामला है, लखनऊ से जो फैजाबाद जो अयोध्या मार्ग गया है, और फिर यहाँ से लाइए पलहरी से पहले जो ब्रह्मदेव के वहाँ देख लीजिए, आप मेजर पेट्रोल पंप पूरे शहर के अंदर देख लीजिए, कोई ऐसी रोड नहीं है जहाँ धान रुपाई के लिए ना गड्ढे ना हो। हाँ भैया कैसी बात कर दी आपने, बाराबंकी जिले के PWD के अधिकारी साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बाराबंकी के सड़कों की प्लास्टिक सर्जरी कर दी है, इससे फायदा हो रहा है भैया, रोजगार पे रोजगार लोगों को मिल रहा है। अब खुद ही सोचो भैया, कोई रिक्शा से जा रहा है उसका ही रिक्शा पलट गया तो कई बच्चे उसके अंदर होंगे तो गिर गुरा जाएंगे, माथा कपार फूट जाएगा, तो डॉक्टर का खर्चा, डॉक्टर को रोजगार मिला कि नहीं मिला भैया, और एक साथ साथ कपड़ा फट हुआ गंदा हुआ तो भैया धुलाई का और खरीदने का खर्चा, और भैया घर में अगर बच्चा 2-4 दिन पड़ा रहेगा तो खाने पीने का जो सेव व्यवहार बाहर से, तो भैया किसानों को भी फायदा, तो हर किसी को फायदा हो रहा, और गाड़ी वाड़ी टूटेगी तो भैया मैकेनिक को फायदा, दुकानदार को फायदा, तो फायदा फायदा है भैया, ये सब रोजगार बांटने के एक साधन है। कैसी बात कर दी आपने कि गड्ढा है, गड्ढा नहीं है भैया, यहाँ धान की रोपाई आप चाहे जितनी करो, ये बाराबंकी की सड़कों पर रोजगार बांटा जा रहा है कि नहीं भैया। माननीय जी का तो घर भी भैया पास है, पड़ता विशाल मेगा मार्केट के पास है, वहीं बकायदा बड़ा सा पोस्टर लगा पड़ा है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का, और सामने बड़ा बड़ा आपको गड्ढा दिख जाएगा, जबकि कई बार उसकी मरम्मत हो चुकी है, तो इतना तो भैया रोजगार बांटा जा रहा है, इस पर अगर कुछ कह दो तो दिक्कतें हो जाइए। बाकी भैया अकबर साहब की बात सुन लो, और हम तो जिससे भी ज्यादा है तो बहुत गहरे गड्ढे धान की रोपाई, बड़े बड़े गड्ढे तो है, जाने पर हमला भी हो सकता है। मैं तो हमला इसलिए कर रहा हूँ कि मैं किसानों की आय दुगना कर रहा हूँ। अच्छा, इसे जिसके जिस तरह खेत नहीं है, हम धान की रोपाई करेंगे तो हमको सम्मान निधि मिलना शुरू हो जाएगी, और जैसे कि अभी देखिए कई एक ऑटो पलट गए, बेचारे कई यात्री घायल हो गए, इसी में पलट गए, पलट गए थे कई यात्री घायल हो गए, हम लोग दौड़ के बचाए भी, एक पलटे पलटे बच गया। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर PWD के मिनिस्टर आते हैं, बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं कि हम बाराबंकी को नोएडा बनाएंगे, ये तो बाराबंकी को नोएडा छोड़ो, जो बाराबंकी उस समय था जब पूर्व के केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, ये PWD की जितनी रोडे हैं सब उनकी देन है, जो कि आज वर्तमान समय में उनकी कोई मरम्मत कराने वाला नहीं है, ये रोड देने का काम सिर्फ बेनी प्रसाद वर्मा ने किया है। नहीं तो उससे क्या मतलब, अभी बताइए स्थिति कैसी, तो अभी शिकायत की है? अब तो जैसे कि मैं शिकायत बार बार PWD से कर रहा हूँ, PWD सिर्फ ये कह रहा है कि भाई साहब हो जाएगी, एक तो फर्जी रिपोर्ट भेज दिया, लोगों को नोटिस काटे हैं फरवरी में, मेरे व्हाट्सएप पर भी नोटिस आई है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। PWD रोड की मरम्मत के नाम पर करोड़ों का घोटाला करती है। अच्छा, अधिकारी कहते कि बजट यहाँ से बना भेजा जाता है, लेकिन जो है बजट आता ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ बजट बना के भेजा जाता है, लेकिन इमरजेंसी में कुछ बजट उनके पास रहता है आपातकालीन के लिए, चाहे जो विभाग हो आपातकालीन के लिए सबके पास बजट रहता है, सरकार बाढ़ और सूखे पर विशेष ध्यान देती है, इनका कभी बजट खत्म नहीं होता है। तो मैं सूबे के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि बाराबंकी में जहाँ जहाँ PWD की रोड खराब पड़ी हुई है, वहाँ पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित दें कि मौके का निरीक्षण करके तत्काल समस्याओं का समाधान किया जाए। अच्छा, ये गड्ढा काफी ज्यादा हो गया, देखिए बहुत बहुत कम से कम 4 फुट नीचे हो गया गड्ढा।
अभी कोई ट्रक आए पलट जाए, कोई जानलेवा हमला हो जाए, यात्री घायल हो जाए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, तब सूबे के मुख्यमंत्री संज्ञान में लेंगे और कहेंगे मैं 5 करोड़ रुपए मैं इनको अनुदान दे रहा हूँ। एप्लीकेशन लिखित कहीं से? हाँ, एप्लीकेशन मैंने डीएम साहब को दिया था और डीएम साहब ने संबंधित अधिकारी पीडब्ल्यूडी को भेजा। अब अकबर शाह जी धान लगा करके भाई विरोध प्रदर्शन जता रहे थे और प्रशासन को बता रहे थे, सचेत कर रहे थे कि देखो भैया बड़ी दुर्घटना हो सकता है, 4-4 फुट का गड्ढा, समस्या का समाधान कीजिए। और पीछे आप देख सकते हो बसें गुजर रही, तमाम गाड़ियां गुजर रही, तो बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकता है। इतने मोटे मोटे गड्ढे की पूछो ना भाई, आपकी बार तो कुछ ज्यादा ही गड्ढे हो गए, तो प्रशासन को तनिक ध्यान देना चाहिए। और पीडब्ल्यूडी पर इन्होंने बड़ा आरोप भी लगा दिया कि देखो भैया बहुत बड़े घोटाले भी करते हैं पीडब्ल्यूडी वाले। बाकी हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, अकबर साहब की बातें तो आपने सुन ली। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शंभर साजू को समझ लेगी तो बात बने कसके और आपकी कार कमेंट कीजिएगा। सड़कों पर चलने से पहले तनिक सावधान है हो जाओ, आजकल भैया देखा तो जाते सूचक शब्द लिखवाओगे तो हटवा देंगे साहब, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं।